आज अपने करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, एक को चाहे एक्स एक्स को बराबर करके काटना होता है या वाई वाई को बराबर करके काटना होता है, यानी यहां पर अपना बीजीय व्यंजक एक ही रहना चाहिए। ठीक है, बीजीय व्यंजक एक ही रहना चाहिए। तो अब देखिए अपने समीकरण एक और दो में, यहां देखिए दो एक्स बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये कट नहीं रहे, कट नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जुड़ जाएंगे। तो इनको काटने का तरीका क्या है, यानी दो बराबर है, इनको काटने का, इसको हटाना है, हटाना तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तभी हटेगा, नहीं तो ये हटेगा नहीं। तो इनको हटाने के लिए एक को माइनस का करना पड़ेगा, और माइनस को नीचे वाला होता है। तो अपने क्या लिखेंगे, जब माइनस का करना होगा एक को, तो अपने समीकरणों को आपस में घटाएंगे, समीकरण को आपस में घटाएंगे। क्या लिखेंगे अपने, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण एक यहां लिखो, दो एक्स प्लस तीन वाई, समीकरण एक बराबर क्या है, पांच, बराबर पांच। समीकरण नंबर एक, दो एक्स प्लस चार वाई बराबर तीन, समीकरण नंबर दो है। अब अपने को घटाना है, तो घटाना ये पहले किसका था, प्लस का। जब भी घटाएंगे तो नीचे वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी पहले किसका है, प्लस का, कोई चिन्ह नहीं इसका और प्लस है, कोई चिन्ह नहीं था इसका मतलब प्लस है। घटाएंगे तो नीचे वाले सारे चिन्ह बदल दो, ये प्लस था माइनस कर दो, ये प्लस था माइनस कर दो, ये प्लस था माइनस कर दो, घटाने पर सारे चिन्ह बदले जाते हैं। अब देखिए ये दो ही प्लस का है, दो ही माइनस का है, तो आपस में क्रॉस हो गए, घट गए। अब तीन वाई प्लस का है, चार वाई माइनस का है, आपस में घटेंगे तो प्लस माइनस वाले ज्यादा है, तो माइनस का वाई बच गया। बराबर पांच प्लस के हैं, तीन माइनस के हैं, दो बच गए, पांच में से तीन घट गए, दो आ गए। अब y का मान, ये माइनस का नहीं था, y का मान आ गया माइनस दो, यानी ये चिन्ह उठ करके यहां चला जाएगा, यहां नहीं रहेगा, तो y का मान कितना आ गया, दो। अब अपने को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक कितना है, ये देखो, दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर हो गया पांच। ठीक है, अब मान वाई का है, दो एक्स प्लस वाई कितना है, तीन, वाई का मान कितना है, माइनस दो, तो इन दोनों को कोष्ठक में दे दो ऐसे, बराबर कितना हो गया, पांच। दो एक्स प्लस इन दोनों को कोष्ठक के अंदर दुगुना करो, तीन दुनी छह, माइनस का छह, बराबर हो गए पांच। दो एक्स कोष्ठक खोलो, प्लस माइनस माइनस का छह, बराबर हो गए पांच। ठीक है, अब पक्षांतरण करने पर अंक को आगे ले जाएंगे, दो एक्स बराबर ये पांच, ये यहां माइनस का था, बराबर से चाहे इधर जाए तो ही चिन्ह पलटा जाता है, और इधर से इधर आए तो भी चिन्ह पलटा जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये माइनस का था, आगे जाके हो गया प्लस का। दो एक्स बराबर छह और पांच कितने हो गए, ग्यारह। अब दो एक्स बराबर ग्यारह, अपने मान एक्स का निकालना है, तो एक्स के पास वाला अंक, एक्स को यहां अकेला रखना है, पास वाला अंक यहां गुणा में है, तो आगे जाते हैं उल्टा होता है, गुणा होता है तो भाग होता है, और यहां भाग होता है आगे गुणा में होता, तो ये आगे ग्यारह बटे दो, यानी अपना वाई का मान आया दो माइनस दो, और इसका एक्स का मान आ गया ग्यारह बटे दो। अब अपने उत्तर की जांच करनी है, उत्तर देखना अपना सही है नहीं है, तो
एक्स और वाई का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक में, समीकरण एक कितना है, दो प्लस तीन वाई बराबर पांच। अब दो एक्स था तो दो गुणा एक्स का मान कितना है, ग्यारह बटे दो, ग्यारह बटे दो, ये प्लस ये तीन, और इसका मान कितना है वाई का, तीन गुणा माइनस दो बराबर पांच। दो से दो कट गया, यहां आ गया ग्यारह, प्लस इसको कोष्ठक के अंदर गुणा करो, तीन दूनी छह प्लस माइनस माइनस बराबर पांच, ये ग्यारह और ये प्लस, कोष्ठक खोलेंगे प्लस माइनस माइनस छह बराबर पांच, ग्यारह में से छह घटाओ, यहां भी पांच आ गए, बराबर में पांच आए, एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर है, इसका मतलब अपनी समीकरण बिल्कुल सही है। ऐसे आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के समय आपको पता नहीं चलता कि अपना सवाल मान सही है नहीं है, अगर ये बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप सवाल दोबारा निकालिए, आपका जो सवाल सही नहीं है। ओके, धन्यवाद।